सागर में मां कर्मा देवी की जयंती के अवसर पर साहू समाज के द्वारा बड़ा बाजार स्थित समाज के मंदिर से एक भव्य वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु शामिल हुए। समाज की संगठित एकता के उद्देश्य के साथ नगर में निकाली गई इस वाहन रैली का जगह जगह स्वजातीय बंधुओं ने स्वागत भी किया। वाहन रैली में मां कर्मा देवी की झांकी भी शामिल रही। रैली में शामिल सभी समाज जनों में इस मौके पर खासा उत्साह भी नजर आया। रैली नगर भ्रमण उपरांत वापस बड़ा बाजार में पहुंची और संपन्न हुई। वाहन रैली के समापन पर प्रसादी का वितरण किया गया। कल जयंती पर्व पर समाज के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही समाज जनों में इस बात को लेकर हर्ष था कि मां कर्मा देवी की जीवनी पर आधारित फिल्म की लॉन्चिंग होने जा रही है, जिसके माध्यम से न केवल अन्य देशवासी बल्कि समाज की नई पीढ़ी को मां कर्मा देवी की वास्तविक जीवन के दर्शन होंगे, जिसको लेकर सभी इस फिल्म को देखने के लिए आतुर भी नजर आए। आज मां कर्मा देवी जयंती के उपलक्ष्य में 4 अप्रैल 2024 मां कर्मा देवी जयंती के वाहन रैली का आयोजित हुआ, जिसमें मां कर्मा देवी जयंती हम लोग पर्व मनाते हैं। साल में हम लोग देखते हैं मां कर्मा देवी के नाम से ही है पर्व, अच्छी रूप से मनाते हैं। साहू समाज के आराध्य देवी हैं और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के भोग लगाया था। मीरा जी और राधा जी के बाद अगर नंबर आता है भैयाजी के रूप में मां कर्मा देवी का नाम आता है। साहू समाज का गौरव है, वो साहू समाज जो है अपनी गौरवपूर्ण माँ के लिए इस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं। अच्छा, कल प्रोग्राम रखा गया है जयंती पे, क्या प्रोग्राम रखा गया है? बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, युवक युवती परिचय सम्मेलन 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा और समाज का प्रसादी के रूप में भोग लगेगा। कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? मैरिज गार्डन सागर मोती है। कल 5 तारीख को माँ कर्मा देवी की फिल्म उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाजार का सभी लोग माँ कर्मा देवी की जीवनी का पूर्ण पुण्य लाभ अर्जित करें। जय माँ कर्मा देवी, जय माँ देवी। माँ कर्मा देवी जीवनी पर एक फिल्म का निर्माण किया है, तो हम सभी समस्त स्वजाति बंधुओं से कहेंगे कि वह अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मां कर्मा देवी के जीवन वृत्तांत पर बनी यह फिल्म देखें और अपने समाज को एक संदेश दें। ये कहाँ पे दिखाई जा रही है? ये सभी छवि ग्रह पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी छवि ग्रह हैं सभी में यह प्रकाशित है। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग 11 बजे से शाम को, शाम की टाइम है, जिसमें कि मां कर्मा देवी की जीवनी पर आधारित है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी का भोग लगाया था, उन्हीं ने साक्षात उनके हाथ से खिचड़ी पाई थी। इसी उपलक्ष्य में मां जगन्नाथ स्वामी जी की जीवनी और मां कर्मा हमारी आराध्य देवी कर्मा देवी जो कि आराध्य देवी हैं उनकी जीवनी पर प्रयोग के आधार के और सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन है कि पूरी भारत के अंदर निजी एक साथ मिली हो रही है कल 5 तारीख को, जिसका पुण्य लाभ उठाना समाज के लिए एक इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि वो समझे, अपना अस्तित्व समझे कि किस तरीके से माने, मतलब जो हमारी आराध्य देवी है कर्मा देवी, उन्होंने किस तरीके से मतलब भगवान को प्राप्त किया और उन्हें अपने हाथों से भोग लगाया। और ये साहू समाज के लिए गर्व की बात है कि वो हमारी आराध्य हैं और उन्होंने स्वयं साक्षात दर्शन किए और उनके माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान की जो भक्ति होती है वो पूर्ण निष्ठा से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है उससे। तो इसमें जो महिलाएं हैं तो इसके लिए कितना साल तक रहेगी महिलाओं के लिए? ये जी महिलाओं के लिए कितना साल तक रहेगी? आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक कहना चाहिए कि मार्गदर्शक है कि किसी भी चीज़ में अगर पूर्ण निष्ठा से जुट जाए तो सफलता जरूर मिलेगी उसे। साहू प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश तैलिक साहू।